बहुत जबरदस्त भैया, पहली बार खाया है पूरे राजस्थान में, ऐसी कचौड़ी आज तक मैंने कभी ना खाई। कभी नहीं खाई है ना? तो ये दिल खुश हो जाता नहीं रहता कचौड़ी खा के? क्यों तो कचौड़ी पसंद करते हैं? तो भैया की मुस्कान उतारी, टेस्ट काफी अच्छा है इनका। सरसों तेल बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं ना। तो दोस्तों अभी हमें धौलपुर जिले में मैं तो भैया यहाँ पर हम घूमते फिरते आए हैं, यहाँ पर एक बताते हैं कि यहाँ की कचौड़ियाँ काफी फेमस है। तो भैया बात करते हैं क्या क्या मिलता है इनके पास। नमस्कार भैया जी। जी नमस्कार। नाम क्या भैया अपना? मोनू जैन। सोनू। तो सोनू भैया जी क्या क्या मिलता है अपने पास? कचौड़ी आलू की। कचौड़ी आलू की बस। तो टाइमिंग क्या रहती है अपनी भैया? 7 से 12। कितने साल हो गए? 40 साल हो गए यहाँ पर। कलकत्ता ही लगा देते ना, क्या बात है भैया। तो भाई ये देखिए यहाँ पर कचौड़ी यहाँ पर बेली जा रही है और भरी जा रही है, सॉरी। ये देखिए भैया मसाला क्या है, सिंपल है आलू का, ये आलू इसमें प्याज वगैरह डाली रहती है और मैदे की कचौड़ी है ना, क्या बात। भैया मसाले में क्या रहता है इसमें? वैसे नमक मिर्ची, सिंपल बस, घर जैसा स्वाद मिलेगा है ना। ये देखिए भाई हरी हरी चटनी यहाँ पर पालक वाली, क्या बात है भाई। देखिए भैया यहाँ हाथों की हेल्प से यहाँ पर कचौड़ी यहाँ पर सरसों, शुद्ध सरसों के तेल में यहाँ पर छोड़ते हुए ये कचौड़ियाँ मिल जाए तो भाई क्या कहने फिर, तो वो भी शुद्ध सरसों के तेल में, शुद्ध सरसों के तेल में हम कचौड़ियाँ देखिए यहाँ पर फूल चुकी हैं भैया, सेकने को एकदम रेडी है भैया। भैया कितना समय लगता है इसको सीखने में? 15 मिनट। तो धीमी आँच पे सीखते होंगे इसको है ना। भाई देखिए कचौड़ी हमारी सीख चुकी है यहाँ पर ये, और सरसों की तेल की खुशबू भाई यहाँ तक आ रही काफ़ी अच्छी खुशबू। भाई ये देखिए हमारी कचौड़ी यहाँ पर से निकल के आ चुकी है इधर। भैया चलिए लगवाते हैं धौलपुर की फेमस सरसों का तेल वाली यहाँ पर कचौड़ी, ये क्या बात है भैया, हाथों से थोड़ा सा फोड़ दिया उसको। ये देखिए भैया हरी हरी चटनी पालक वाली, भाई चलिए टेस्ट करते हैं। तो भाई ये देखिए जैन साहब की यहाँ पर कचौड़ियाँ आ चुकी हैं, पूरे राजस्थान धौलपुर जिले में आपको यहाँ पर कड़ी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, लेकिन जैन साहब के पास आपको यहाँ पर हरी चटनी के साथ यहाँ पर कचौड़ियाँ सर्व करते हैं। ये देखिए भाई सच में भाई मज़ा आ गया, काफ़ी टेस्टी है भाई, और इसकी कॉस्ट मैं बता दे रहा हूँ मात्र 10 रुपये की 3 कचौड़ी दी जाती हैं और काफ़ी सस्ती भी, और काफ़ी आपको पता है आज के समय पर इतनी महंगाई के दौर में 10 रुपये की 3 कचौड़ी कोई नहीं देने वाला। तो और ये पालक का जो चटनी का टेस्ट है काफ़ी गजब लग रहा है, और आलू की स्टफिंग है और शुद्ध सरसों के तेल की, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। तब मैं अपनी कचौड़ी को फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। भैया आपकी कचौड़ी को खाने आए तो यहाँ पर धौलपुर जिले में कहाँ पर आए, एड्रेस बता सकते हो आप? जैन मंदिर छोटी धौलपुर है। जैन मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पर भैया की यहाँ पर कार्ड दिख जाएगी आपको, यह छोटी सी कार्ड है भैया की, काफी फेमस है धौलपुर जिले में।